भाई इस मामले में तो मेरा तो ये कहना है हम कुछ नहीं जानते और हमको मालूम ही नहीं है वो कब लड़के के पास रहती थी कब नहीं रहती थी, हमको कुछ नहीं मालूम। यही बात शादी, उसने शादी करी इस मामले को लेकर आपको? उसकी मालूम नहीं है। जयपुर में कितने समय से रह रही है और क्या कर रही है? वो कहती थी भाई मेरे को तो उसको 6 साल 7 साल करीब हो गए जो ये कहती थी कि मम्मी मैं जॉब करती हूँ, जो पहली दो पाई उस पर लगी थी, वो क्या बोलते हैं उसको हवाई जहाज का अड्डा उस पर लगी थी पहले, तो वहाँ पे कर रही थी, फिर कोई जॉब भी नहीं करी थी उसने। फिर उसके बाद में पूछती थी भाई बेटा तू तो क्या करती है, कब मम्मी मैं जॉब करती हूँ, पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी पर भले ही गोलियां चलाने वाले शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर थे, लेकिन जिस पिस्टल से गोलियां चलाई गई वो पिस्टल उन्हें एक ट्रेनी एयर हॉस्टेस और उसके पति ने मिलकर दी थी। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकती है मगर यही कहानी सच है। जयपुर पुलिस ने इस मामले में एक लड़की यानी ट्रेनी एयर हॉस्टेस पूजा सैनी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग के शूटर्स को हथियार पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पति पत्नी की एक जोड़ी थी। इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर एयर हॉस्टेस और उसके पति की पूरी कहानी क्या थी। पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा है, वो बचपन से ही हवा में उड़ना चाहती थी, वो हमेशा अपने हसीन सपने देखती थी, इसलिए उसने एयर हॉस्टेस बनने की ट्रेनिंग भी ले रखी थी और तो और ट्रेनी एयर हॉस्टेस बन भी गई। लेकिन अचानक उसने आसमान में उड़ने की बजाय जुर्म की दुनिया में उड़ान भरने की ठान ली। किस्मत ने भी तभी उसे कोटा के हिस्ट्री शीटर और लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई करने वाले महेंद्र उर्फ समीर से मिलवा दिया। इस वीडियो में हम आपको सुनवाते हैं आखिर पूजा सैनी के माता पिता ने पूजा को लेकर क्या कुछ कहा है। भाई इस मामले में तो मेरा तो ये कहना है हम कुछ नहीं जानते और हमको मालूम ही नहीं है वो कब लड़के के पास रहती थी कब नहीं रहती थी, हमको कुछ नहीं मालूम। यही बात शादी, उसने शादी करी इस मामले को लेकर आपको? उसकी मालूम नहीं है। जयपुर में कितने समय से रह रही है और क्या कर रही है? वो कहती थी भाई मेरे को तो उसको 6 साल 7 साल करीब हो गए जो ये कहती थी कि मम्मी मैं जॉब करती हूँ, जो पहली दो पाई उस पर लगी थी, वो क्या बोलते हैं उसको हवाई जहाज का अड्डा उस पर लगी थी पहले, तो वहाँ पे कर रही थी, फिर कोई जॉब भी नहीं करी थी उसने। फिर उसके बाद में पूछती थी भाई बेटा तू तो क्या करती है, कब मम्मी मैं जॉब करती हूँ, पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती। बस ये कहती थी हमसे भाई मैं जॉब करती हूँ। इस घटना को लेकर उसने आपसे कोई बात करी थी या कुछ नहीं ऐसा? नहीं 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 वो नहीं आया हमारे पास। कब आई थी वो यहाँ अलीगढ़ में? उसको 3 महीने हो गए। हमारे लिए तो कोई औलाद कौन, हमारी तो पैदा हुई थी तो हमारी औलाद से और बाल मारी काई औलाद कौन, मारा सो गुडारा मसू शिफ्ट लगाए चुन मारी ले तो वो मर जाओ तो बढ़िया था, सदा की यही थे कानून जतरी सजा हो ना जतरी कम सु कम उसको भी तेज दे ना सजा। अब भगवान करते को मर्डर ही कर दे को पुलिस सारा गवर्नमेंट से आई निवेदन से मारो, और मैं तो गरीब आदमी छू मारे घर में बच्चा कर लिया था काम, मैं बीमार था रही छू 3 4 5 महीना छू, और मारी ओला ना सोची कौन है मैं मुँह क्यों जो बेटा खाए काय करी तेरी, अरे का पापा मैं तो जॉब कर रही हूँ ये कर रही हूँ, अब मैं सोच सुना ही भी ना दू मैंने तो क्यों जो बेटा यहीं रह रही मर जाऊंगी ताकि मत मर जाऊंगी, मैं सोच तो मैं ज़्यादा चोरी भी ना करा था मैंने कि भाई चोरी आजकल आज जमाना खराब था मर जाओगी तो मारो मारो थोड़ा कौन वो बुढ़ा रहा मारा शिफ्ट लगा छूटे वो शिफ्ट लगे और शिफ्ट ये लागे मारा। बता दें कि साल 2018 में पूजा और महेंद्र की मुलाकात हुई थी और 4 साल बाद यानी साल 2022 में महेंद्र और पूजा सैनी ने शादी कर ली। पूजा पर आरोप है कि गोगा मेड़ी केस में जो 2 पिस्टल यूज हुए हैं वो पिस्टल पहुंचाने का काम पूजा ने किया था। इतना ही नहीं, इनमें से एक शूटर यानी नितिन फौजी को इन दोनों ने करीब हफ्ते भर तक जयपुर के अपने किराए के घर में भी पनाह दे रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम का।